के निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में भव्य श्री रामोत्सव का नजारा देखने को मिला है, जहां मंच पर एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। इस रिकॉर्ड में एक मंच पर बने पुष्पक विमान पर एक साथ करीब 33,000 के संख्या में प्रभु श्री राम व श्री हनुमान जी के स्वरूपों में राम व हनुमान भक्त नजर आए हैं। इस कार्यक्रम में खास बात ये रही कि राम के स्वरूप में 6,000 किशोर युवाओं का अनूठा संगम नजर आया है। यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी, विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे और साध्वी रितंभरा भी पहुंची। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हिंदू एक हैं और उनके राम भी एक हैं और वो किसी जातियों में न मटे। कार्यक्रम की शुरुआत शिव गर्जना से हुई और कार्यक्रम का समापन भगवान श्री राम की आरती और गंगा माता की आरती के साथ हुआ है। हमें विश्वास है कि यहाँ के जन जन के अंतकरण में जो राम के प्रति भक्ति है, उस भक्ति को समझकर भविष्य में देश राम के मार्ग पर चलने के लिए सिद्ध हो रहा है, ये हम सबके लिए आनंद का विषय है। आज मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार वाला है सुरेश भैया जी जोशी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे जी, साध्वी रितंभरा दीदी जी आई थी। उन्होंने समाज को संदेश दिया है कि बच्चा बच्चा राम है, माने हर घर से राम के जैसा आदर्श पैदा होना चाहिए, तभी इस देश में रामत्व आएगा। जब रामत्व आएगा तो निश्चित राम राज्य आएगा। सभी जातियों के सभी संप्रदायों के लोगों को यहाँ पर राम बनाकर लाया गया था। समाज को संदेश दिया गया है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक जाति को दूसरी जाति का सम्मान करना पड़ेगा, तो उसका स्वरूप राम ही हो सकता है। इस कल्पना के साथ इस सफल आयोजन के लिए मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को भी सिंधु परिषद के अपने विचार परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। आगे भी हमारे ये प्लान है, हमारे जिला स्तर पर इस तरह से कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे अपने प्रांत में।